तो ये पॉलिटिकल पार्टी थर्ड चैप्टर है, तो हम यहाँ पे पहले इंग्लिश रीडिंग करेंगे और कंटिन्यूसली आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडी द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर। पॉलिटिकल पार्टी आर लिंक दैट कनेक्ट्स कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन। वॉट एवर वी रीड और हियर अबाउट अ पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम। इन फैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर ओनली इन अ डेमोक्रेसी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अभी हम लोग ने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, वहाँ पर पढ़ा था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती है। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट लिखी गई है, इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट विथ ईच अदर ओनली इन डेमोक्रेसी। ये एक डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है कि जहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकती है। जहाँ पे इन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हमारा कंट्री जो है वो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। In your school and surrounding, you must have seen some groups, institution, organization working to achieve some objective. Some organization take initiative in resolving social problems. You may have read about the various movement and their work. Just as there are active group, institution and movement, similarly there are political parties who contest election. Political parties are also a kind of social organization, but there is a difference between political parties and other institution. Another organization, society, the difference is the goal and the style of working political parties and other organization. On this background, we can say that when the people form organization which with the objectives of achieving political power and participate in electoral process, such organization is called political parties. Political parties thus can be described as a group of people who aim to contest election, win election and get power and establish the government of their party. जैसा कि आपने अपने सराउंडिंग वगैरह में देखा ही रहेगा, कई लोग अपना संस्था बनाते हैं, कई लोग ग्रुप्स बनाते हैं और वो लोग सोशल वर्क करते हैं, लेकिन उनमें और पार्टीज़ में क्या फ़र्क होता है? देखो, ग्रुप्स तो दोनों बनाते हैं, बट पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है एम कि वो सोशल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके इलेक्शन कमीशन में खुद को रजिस्टर करके पॉलिटिकल पार्टी बने और वो कॉम्पीट करे और वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे और गवर्नमेंट बने। वो खुद को पावर में आना चाहती है, इसके लिए उसने पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म की है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो पढ़ेंगे। कैरेक्टर जो पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब पॉलिटिकल पार्टी है क्या, उसको डीपली हम समझने के लिए उसके कैरेक्टर दिए गए हैं और पढ़ेंगे। चलो, टू बी इन पावर, अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले इलेक्शन के थ्रू वो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम क्या रहता है कि वो पावर में आनी चाहती है। दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर टू गेट अ पावर। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कॉम्पिटिशन, बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। हाँ, ये सही बात है। देखो, कोई गलत बात नहीं है भाई, तुम्हें पावर में आना है, तुम्हें अच्छा खासा, तुम्हें लगता है तुम हमें अच्छा गवर्न करोगे, पब्लिक को अच्छा गवर्न करोगे, अच्छी बात है। तो कंपटीशन फेयर होना चाहिए। अगर दो पार्टीज है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी बहुत पावरफुल है और एक बहुत लो है, तो कंपटीशन भी फेयर होना चाहिए। टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ कम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज। पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इशू। दिस टुगेदर मेक अ पार्टी आइडियोलॉजी। द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सटेबल सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी। सोशल सपोर्ट रिसीव बाय पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इन अ मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर, हैंस इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज। अभी हम लोग कुछ भी ऑर्गेनाइज करते या कुछ भी करते, हमारा एक मोटिव रहता है। भाई, हम ये मोटिव से ये पार्टी ऑन कर रहे हैं, हमने क्यों पार्टी बनाई? भाई, सबका इशू वही है कि भाई पब्लिक का सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल बीजेपी, बीजेपी का क्या मोटिव है? हिंदुत्व पार्टी बनाना चाहती है, हिंदुत्व देश बनाना चाहती है। तो हमारा एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी रहना चाहिए कि भाई हमें करना क्या है आगे, हम उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं। और आज इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है कि हम लोग को उनका बेसिक क्या आइडियोलॉजी, उनका मेन मोटिव क्या है, वो हमें नहीं पता चल पाता। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, टू हैव अ पार्टी एजेंडा।
पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टी एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी, दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर. इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा. अभी देखो, एक पार्टी का एजेंडा रहता है कि भाई मैं तुम्हें ये करके दूंगा. जैसे बीजेपी का एजेंडा था, क्या था, जो मोदी जी हैं हमारे, उनका एजेंडा क्या था, भाई मैं तुम्हारा विकास करके दूंगा. तो ये अगर आइडियोलॉजी वर्क नहीं करती तो एजेंडा वर्क करेगा और पीपल तुम्हें वोट देंगे. तो ये एक और कैरेक्टर आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी का. टू इस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज इस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन. द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट द मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट. द पार्टीज विच डू नॉट गेट अ मेजोरिटी एक्ट एज अ अपोजिशन पार्टी. अभी गवर्नमेंट को क्या है कि भाई पावर में आना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो ऐसे रूल्स बना देती है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एंटर ही ना कर पाए. हाँ, ऐसे रूल बनाती है. आप इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ भी है, पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन. द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट. इतना तो पता है भाई, वही पावर में आती है और वो गवर्नमेंट बनाती है. टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, पॉलिटिकल पार्टी वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू पॉलिटिकल पार्टीज. अभी पॉलिटिकल पार्टी एक बोल सकते हो एक बीच का बंदा रहती है, जो हम लोग का प्रॉब्लम है. हम तो भाई डायरेक्टली मोदी के पास जाएंगे नहीं, उसका गला पकड़ेंगे नहीं कि भाई मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, मेरे घर पे ये नहीं हो रहा. हम क्या करेंगे, हम जो बीच के स्टाफ रहेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, जो उनके मेंबर्स रहेंगे, उनको जाके बोलेंगे सर हमारा हमारा ये इशू है, हमारा ये इशू है, हमें प्लीज़ सॉल्व करो. तो वो हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगी और वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगी. और बाद में हम लोग आते हैं, हाँ हम लोग आते हैं नीचे. व्हाई डू यू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग न्यूज़ इन न्यूज़पेपर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. अभी ये आपको बताना पड़ेगा, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा और बता दीजिएगा. थिंक एंड राइट, महात्मा गांधी, विनोबाई, इनके बारे में लिखना है. अभी चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. अभी कैसे हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो चेंज कैसे हुआ इंडिया में, जो ओरिजिनल नेचर था उसका कैसे चेंज हुआ. तो यहाँ पे तीन पॉइंट है, हम तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे. द कांग्रेस वॉज अ स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. कांग्रेस हैड मेजोरिटी एट अ सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ स्टेट. इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल बाय कांग्रेस पार्टी. दिस ईरा वॉज डिस्क्राइब एज अ ईरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. हाँ देखो, अभी क्या था कि कांग्रेस जो थी, वो महात्मा गांधी थे कांग्रेस में, तो उनके वजह से क्या सीन था कि पूरे इंडिया में कांग्रेस की चलती थी. पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा से पूरा, मतलब उसको बोला जा सकता है डोमिनेट पार्टी सिस्टम, कि पब्लिक सिर्फ कांग्रेस को ही मानती थी, उन जो भी है सब कांग्रेस. तो वहाँ वो टाइम पे सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस चलता था. द नॉन कांग्रेस पार्टी केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम इन 1977. अभी कुछ पार्टीज आई और एक साथ मिलके कोएलिशन करके, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया, भाई कांग्रेस तो कुछ वर्क कर नहीं रही, अब हम करेंगे. और उन्होंने 1977 में कांग्रेस को चैलेंज किया. आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन, द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग एज अ डोमिनेट पार्टी केम टू एन एंड. 1989 में कांग्रेस का चिट्टा साफ हो गया और 1989 में पूरे तरीके से कोई और गवर्नमेंट आ गई. सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगेन टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट. कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब आपको पता ही है कि जहाँ पे मोर देन टू पार्टीज आके मिक्स हो जाती है. और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को निकाल दिया, मतलब अपने जो राज्य से वो हटवा ही दिया ऐसे. बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एक्सपेरिमेंट ऑन इस्टेब्लिश कोएलिशन गवर्नमेंट. द बिलीव दैट कोएलिशन गवर्नमेंट ब्रिंग इंस्टेबिलिटी वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द पोलिटिकल पार्टी सिस्टम इन अवर कंट्री. इन फैक्ट कोएलिशन गवर्नमेंट हैज स्टेबलाइज इन इंडिया. काफ़ी लोगों को लग रहा था भाई कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं चलेगी, लेकिन हमारे कोएलिशन गवर्नमेंट जैसे ही इंडिया में आई, मतलब इंडिया में स्टार्ट किया, वैसे ही हमारा इंडिया स्टेबल हो गया. वरना तो आपको याद है कि जो 5 ईयर प्लान था, जो आपने 9th में पढ़ा है, कितना उतर चढ़ाव भाई, मतलब इंडिया पब्लिक की वाट लग गई थी, ठीक है. लेकिन उसके बाद जैसे ही कोएलिशन गवर्नमेंट आती है तो कुछ स्टेबलाइजेशन हुआ. अभी डू यू नो, हम पढ़ते हैं.
If a power remained with one political party for a long period, if no other political parties are influential, the party system is called one party system. Of course, अगर एक पार्टी बहुत टाइम से रूल करे जा रही है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, और वो चेंजेस नहीं हो रहा, तो उसे हम वन पार्टी सिस्टम बोल देंगे. In politics, when two political parties are influential and if political parties enjoy power alternatively, the party system is called two-party system. अभी जहाँ पे दो गवर्नमेंट आती है और दो गवर्नमेंट अल्टरनेटिवली बनाती है, मतलब पहले कांग्रेस हो गई, फिर जनता पार्टी हो गई, फिर कांग्रेस हो गई, फिर जनता पार्टी हो गई, तो उसे हम टू पार्टी सिस्टम बोलेंगे. व्हेन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पॉलिटिकल पावर एंड मोर और लेस दे आर इक्वली इन्फ्लुएंटल, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम. जहाँ पे इक्वल वोट्स होते हैं, मतलब जैसे 80 सीट है और 80 सीट में चार लोग खड़े हुए थे और चारों को 20-20-20 सीट मिलती है, तो वहाँ पे हम मल्टी पार्टी सिस्टम बोलेंगे. तो अभी डू दिस, अभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आपको फाइंड करना है और यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस आपको फाइंड आउट करना है. ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेशनल पार्टीज एंड द रीजनल पार्टीज. अभी हाँ, हमें ये ज़रूरी है कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती है और रीजनल पार्टीज़ क्या होती है, हम उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग ये जो पिंक कलर का है ये कवर अप करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, और उसके बाद हम ये नेशनल पार्टीज़ के तरफ जाएंगे. टू गेट रिकॉग्नाइज एंड नेशनल पार्टी, द इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन. अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 or more स्टेट इन द अर्ली लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन, एंड मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट इन अर्ली इलेक्शन. अभी इलेक्शन कमीशन क्या बोलती है, भाई तुम 6% कोई भी वोट तुम जीतो, लोकसभा में जीतो, लोकसभा के असेंबली में जीतो, और कोई भी ऐसे मोर देन स्टेट होने चाहिए, मोर देन वन स्टेट जहाँ पे तुम जीत रहे हो, तब हम तुम्हें नेशनल पार्टी का दर्जा देंगे. या फिर द कैंडिडेट ऑफ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट. अभी कोई भी 3 स्टेट से तुम्हारा कैंडिडेट जो है वो खड़े होने चाहिए और वो इलेक्ट होने चाहिए, तब हम तुम्हें नेशनल रिकॉग्नाइज देंगे. टू गेट रिकॉग्नाइज इन रीजनल पार्टी, अभी तुम जो रीजनल पार्टी में रिकॉग्नाइज मिलने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने 2 तुम्हारे सामने शर्तें रखी है. वही शर्तें हैं कि तुम्हें वापस से लोकसभा में जो है वो करना पड़ेगा, और वापस से विधानसभा में तुम्हारा मोर देन 3% ऑफ सीट होनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया रहेगा. अब यहाँ से जो है नेशनल पार्टीज़ कौन सी है, और तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है, और रीजनल पार्टीज़ हमारी कौन सी है तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे, और मतलब मैं ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं. तो अब आ रहे हैं हमारी जो नेशनल पार्टीज़ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हमारी नेशनल पार्टीज़ है. ये 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इसके बाद इसने काफ़ी कुछ हमारे इंडिया में किया, मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस ए मोर देन वन स्टेट से है, तो इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाएगा, मतलब इसको नेशनल पार्टी बोली जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. उसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. अभी कम्युनिस्ट पार्टी भी 1925 में इसको बनाया गया था, और फिर ये 1962 में इसका फिर अलग अलग कर दिया गया. क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ उतरी थी कि हम लोग लेबर और जो हमारे वर्कर हैं हम लोग उस पर वर्क करेंगे. और 1962 में ये ओवर इश्यू वेदर कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया शुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना और सोवियत, दिस लेटर स्प्लिट कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड. अभी कम्युनिस्ट पार्टी तो 1925 में बनाई गई थी, उसके बाद 1962 में कुछ तो इश्यू हो गया, तो बाद में जो ये आप देख रहे हो पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म्ड, उसके बाद अलग अलग बनाई गई और फिर मार्क्सिस्ट फॉर्म्ड हो गई. और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपको पता है, ये भारतीय जनता पार्टी 1951 में बनाई गई थी, और इसने 1977 में इलेक्शन का ये किया था, द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव स्प्लिट ऑफ जनसन एंड द कॉम्पोनेंट जनता पार्टी एस्टैब्लिश अ न्यू पार्टी इन भारतीय जनता पार्टी. अब इसने क्या किया, 1951 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया, फिर 1977 में ये सर्वाइव नहीं कर पाई थी, फिर इन्होंने नया अपने आप को निकाल के फिर अपना नया पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, और उन्होंने 1980 में अपना न्यू पार्टी बनाया, बस इतना ही दिया गया है. और फिर आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया,
जो हम लोग ने पढ़ा कि वो कैसे बदली थी, वो देखो जैसे ऊपर आपने पढ़ा ये वाले पॉइंट में कि ये जो मार्क्सिस्ट फॉर्म्ड हो गई थी, तो वो कैसे, तो उन्होंने सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये वर्क क्या, फार्मर के ऊपर वर्क करेंगे, फार्मर के ऊपर वर्क करेंगे, लैंडलेस के ऊपर वर्क करेंगे, तो ये उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कभी बनाई गई थी हमारी, 1962 में। उसके आस पास आता है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी क्या था कि भाई वो लोग कास्ट में वर्क करेंगे, जो बैकवर्ड कास्ट है उनकी आइडियोलॉजी कैसी रहती थी, भाई हम लोग जो गरीब लोग हैं हम लोग उनके ऊपर वर्क करेंगे। और ये 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और ये स्टिल रन कर रही है। उसके बाद आते हैं सिक्स, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वही है जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी ना, उसका ही एक स्प्लिट हुआ 1999 में और हमारी कांग्रेस पार्टी आई। उसका लोगो ये है, जैसे घड़ी का लोगो है, और उसने महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा 1990 से लेकर 2014 तक काफ़ी अच्छा अपना डोमिनेंस दिखाया और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। फिर तृणमूल कांग्रेस। अभी तृणमूल कांग्रेस ये भी कांग्रेस जो है वो भी हमारे गवर्नमेंट से, मतलब जो ओरिजिनल कांग्रेस है उससे निकली हुई है, और इसको 1988 में बनाया गया था, और इसको पार्टी रिकॉग्नाइज मिला 2016 में, उसके पहले इसको रिकॉग्नाइज नहीं मिला था। ये डेमोक्रेसी फाइंड करती है, और जो वीकर सेक्शन होता है इनका भी वही है कि जो गरीब है उनके ऊपर फोकस करना। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया रहेगा 7 पॉइंट। और ये नंबर ऑफ देखो 2009 से लेकर 2014 तक हमें दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कितनी सीट अपना बचा के रखा। 2000 से 6 सीटों में 44 सीटें मिली इन्हें, फिर 4 सीट में 1 सीट मिली, 166 में 280 सीट मिली। ये तुम्हारा डाटा है। अभी यू मस्ट रीडिंग द डिफरेंस न्यूज़पेपर। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूज़पेपर के बारे में। अभी देखो इतने सारे जो तुम्हारे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, तो कैसे यू मस्ट बी रीडिंग डिफरेंस न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। थ्रू दिस न्यूज़ आइटम्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेरियस पार्टी एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट इन ऑफ इंडिया। अभी हम देखेंगे कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है वो स्टेट लेवल में ही वर्क करती है या नेशनल लेवल में भी वर्क करती है। डू दिस पार्टी फंक्शन ओनली आ स्टेट लेवल, ये हमारे क्वेश्चन है। सम स्टेट लीडर आर इन्फ्लुएंटल एट नेशनल लेवल वाइल सम हैव इन्फ्लुएंस ओनली एट स्टेट लेवल, वाई इज इट सो। अभी देखो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि कई जगह पे सिर्फ स्टेट में एक बंदा इलेक्शन में खड़ा हुआ है लेकिन वो नेशनल में इन्फ्लुएंस करता है, और एक जो बंदा है वो नेशनल में खड़ा हुआ है लेकिन वो सिर्फ एक स्टेट में इन्फ्लुएंस करता है। विद द हेल्प ऑफ सच क्वेश्चन वी विल ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेरियस रीजनल पार्टीज इन इंडिया। वी विल स्टडी सम रीजनल पार्टीज फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टीज इन इंडिया। अभी जैसे कि ये है, हमने देखा वही हमें बताया गया है कि कैसे लैंग्वेज वगैरह से, जैसे हमने नेशनल बारे में पढ़ा, तो कौन सी लैंग्वेज, जैसे अगर मराठी है तो मराठी को सपोर्ट करेगा, हिंदी है तो हिंदी को सपोर्ट करेगा, कन्नड़ है तो कन्नड़ को सपोर्ट करेगा, इंटरेस्ट जागरण करता है, तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब आते हैं हम लोग रीजनल पार्टी। अब सबसे पहले पढ़ेंगे भाई हमारी रीजनल पार्टी होती क्या है। रीजनल पार्टीज आर दोज पार्टीज द रीजनल हु हैव प्राउड फीलिंग अबाउट द डिफरेंट आइडेंटिफाई ऑफ देयर रीजनल, हु कम्पीट टू गेट अ पॉलिटिकल पावर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। द इन्फ्लुएंस रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन, थव दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट अ रीजनल लेवल, दे इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल। रीजनल पार्टीज गिव प्रिफरेंस टू रेजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेवलप। अभी देखो रीजनल पार्टी क्यों बनाई जाती है, सबसे पहले कि भाई हम लोकल, अभी नेशनल लेवल पे तो छोड़ो हम लोग लोकल पे ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान देना है, भाई महाराष्ट्र का डेवलपमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए अगर मैं मुंबई से खड़ा हूँ, भाई मुझे मुंबई का डेवलपमेंट करना है, मेरे लिए मुंबई का इंपॉर्टेंट है। नेशनल तो बाद में आएगा, पहले मेरा मुंबई का इंपॉर्टेंट है, यहाँ के पीपल्स को जॉब मिलनी चाहिए और वगैरह वगैरह, ये सब आता है रीजनल पार्टी सिस्टम में, मतलब इनका यही ऑब्जेक्टिव रहता है। अभी कैसे चेंज हुई हमारी, देखो चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, कैसे जो रीजनल पार्टी है वो चेंज हुआ हमारा इंडिया से, कैसे उन्होंने रुख बदला स्टार्टिंग से लेके अभी तक। तो यहाँ पे देखो ये हमारे फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवे हो गए। तो हमें यहाँ पे 5 पार्टियों का एग्जांपल दिया, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं
हम पांच पार्टियों का लेंगे। शिवसेना, शिवसेना ये बहुत बड़ी पार्टी है जो 1966 में बनाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? मराठी पीपल के लिए, मराठी पीपल के लिए वर्क करना, मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना और मराठी रीजन के लिए वर्क करना। इन 1995 और इन्होंने 1995 में क्या किया, इन्होंने कोएलिशन किया ना बीजेपी गवर्नमेंट से, और 2015 में बहुत शिवसेना ने बहुत डोमिनेट किया। और यहाँ की पब्लिक भी शिवसेना से इतनी खुश है कि भाई वो लोग अपना काम करते, लेडीज़ को भी पूरी हेल्प सपोर्ट रहती है, वो पूरा वर्क करते, और शिवसेना एक पार्टी बच गई महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब में बनाया गया था और ये 1921 में बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? जितना भी फार्मर को लेके, फार्मर के लिए वर्क करना, कल्टीवेशन ज़्यादा करना, ये इनका वर्क था। और ये इनका बहुत पावर चला पंजाब में, बहुत मतलब तगड़ा पावर चला। इन्होंने नेशनल पावर तक को धक्का दिया। उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये भी पार्टी है, ये 1932 में बनाई गई थी। यहाँ पे कश्मीरी पीपल्स को लेके, कश्मीरी पंडित्स को लेके, जो वहाँ पे पीपल्स रहते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को लेके, या ये भी एक्चुअली में देखा जाए तो ये हिंदू में वर्क करती थी कि जो कश्मीर में हिंदूज रहते हैं उनके लिए ये वर्क करती थी। आसाम जन परिषद। आसाम जन परिषद बनाया गया 1985 में। इनका क्या काम था भाई? हमारी जो कल्चर है, हम कल्चर को कहीं भी कल्चर को ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारी जो प्रॉब्लम हो रही थी आसाम, क्या हो गया था देखो, ये यहाँ पे थोड़ा बात करता हूँ मैं। जो जवाहरलाल नेहरू तो वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे नॉर्थ ईस्ट साइड में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो तब ये आसाम जन परिषद बना कि भाई वो खुद का ध्यान खुद देंगे। और उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज़, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो एंटर नहीं करने दी थी अपने आसाम में, क्योंकि वो खुद का खुद अपना राज बने हुए थे और अच्छा डेवलपमेंट किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं द्रविड़ा मनुतेरा काज़ंगम। अभी ये जो नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट है, देखो अभी इसके बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस पार्टी और नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट इन 1920 वॉज ट्रांसफर्ड इन टू अ द्रविड़ा मुनेत्रा काज़ंगम अ पॉलिटिकल पार्टी। 1944 जस्टिस केम टू बी नोन एज द द्रविड़ा काज़ंगम। इन 1944 ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी एंड एस्टैब्लिश अनदर पार्टी द्रविड़ा मुनेत्रा काज़ंगम। अनदर ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी एंड 1990 एस्टैब्लिश ऑल इंडिया द्रविड़ा मुनेत्रा प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी मेंबर ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर ऑफ सम ईयर द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट वॉज पावर फॉर अ लॉन्ग इम्प्लीमेंट पीपल। देखो यहाँ पे तो इतना लिखा नहीं है बट मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये पार्टी ने क्या किया, जो तमिल थे तो क्या हुआ कि पीपल क्या बोलते थे, भाई तू कन्नड़ है, तू इंडियन है ही नहीं, आज भी चलता आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, नहीं हम लोग वर्क करेंगे। फिर पहले तो ये 1920 में बनाया गया, फिर इससे अलग मतलब उनसे कट हुआ, फिर कोएलिशन करके 1944 में बनाया, फिर 1972 में बनाया। इसके बारे में यहाँ तो इतना लिखा नहीं है बट इन्होंने काफ़ी वर्क किया था शेड्यूल कास्ट को लेके, काफ़ी गरीब लोगों के ऊपर काफ़ी वर्क किया था और कई कई बड़ी बड़ी पार्टियों को भी हिला दिया था। अभी ये पार्टीज़ अभी ज़िंदा नहीं है लेकिन स्टिल इनका डोमिनेट अभी भी चलता है। इन इंडिया वी हैव मैनी रीजनल पार्टीज़। हाँ जैसे पता है इन्होंने तो सिर्फ पांच एग्जांपल दिए बट हमारे पास काफ़ी रीजनल पार्टी है, बहुत सारी है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी ये देखो शिवसेना का 2000 मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिए गए कि इतने पार्टी मिले इन्हों को, विधानसभा में कितनी सीट मिली और इलेक्शन में कितनी सीट मिली। कैन यू टेल एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ रीजनल पार्टी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक रिव्यू ऑफ दो। हाँ ये तो भाई है कि इतनी रीजनल पार्टी है भाई, हम सब में रिव्यू नहीं कर सकते। इन दिस चैप्टर वी टू कैन रिव्यू ऑफ नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन अवर लाइफ। अभी हम लोग ने ये चैप्टर में पॉलिटिकल्स के बारे में पढ़ा है, अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सोशल लाइफ के बारे में। और ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको बता दूँ कि हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, मतलब बाद में आपको क्वेश्चन आंसर जब आएगा तो वो कैसे लिखते हैं, हम एक एक आंसर बातें करेंगे इसमें। तो शुक्रिया देखने के लिए। और ये वीडियो स्पॉन्सर था डायनेमिक क्लास से, जो थाने वेस्ट घुड़बंदर रोड में ओला में एस्टैब्लिश है। प्लीज़ एक बार विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।